जानू, मुझे भी बता देना क्या लिखा है तुम्हारे पापा ने। बेटा खूबसूरत, मैं नहीं चाहता था कि मेरी दूसरी शादी के बारे में तुम लोगों को पता चले, लेकिन भांडा फूट गया। खैर, मैं तुम लोगों की वजह से अपना हनीमून खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं और बेताब हनीमून पर जा रहे हैं। तुम लोगों का जितना जी चाहे रहो, एक हफ्ते बाद मैं आ जाऊंगा, उससे पहले चले जा और जाते हुए घर को ताला लगा देना और दरवाजे के नीचे चाबी डाल दे। मेरे पास मकनातीस है, मैं उससे चाबी खींच लूंगा। बाय। पापा, माँ जी, महमूद साहब, खूबसूरत के पापा ने खुदकुशी कर ली। ना 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 पुत्र, ना ना बतूल, तुमने रोना नहीं है, तेरी माँ भी जिंदा हैगी। या नबील, ये उस बेचारी बेताब का क्या होगा? आप उस बेताब के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं महमूद साहब? वैसे ही यार, खूबसूरत के पापा ने खुदकुशी कर ली और आप फजूल बातें कर रहे हैं। शट अप नबील। क्यों जानू? फजूल बातें तो तुम कर रहे हो, पापा ने खुदकुशी नहीं की। तो फिर क्या किया है? पापा उस लड़की के साथ हनीमून पर चले गए हैं। क्या? बड़ा गलत किया तेरे वालद ने, अपनी बेटी की इज्जत के बारे में जरा भी नहीं सोचा। यार नबील, एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या महमूद साहब? अरे यार, वो कहाँ लेकर गए होंगे हनीमून पे? यार महमूद साहब, आपने क्या करना है? अरे पता तो चले, हमने कभी हनीमून मनाया नहीं इस उम्र में। अरे उम्र से याद आया, ये क्या हरकत की है तुम्हारे पापा ने इस उम्र में? उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई? घटिया आदमी नबील। जानू, घटिया तो मैंने महमूद साहब को कहा, जो मेरे ससुर के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। चल पुत्र, अब जो होना था वो हो गया है, तू जल्दी से भाग के शाबाश नाश्ता बना के ले आ, मुझे बड़ी भूख लग रही है। माँ जी, मेरे पापा चले गए हैं नाश्ता लेने हनीमून पे। आए तो क्या, नाश्ता भी साथ ही ले गए। चल उठ के बना जल्दी से नाश्ता। नबील, जानू, तुम तो ऐसे सोग में बैठी हो जैसे तुम्हारे पापा हनीमून पे नहीं, मून पे चले गए हो। शट अप नबील। ओके जानू, आए महमूद साहब, हम दोनों मिलके नाश्ता बनाते हैं। वो जो हम दोनों मिलके बनाएंगे वो नाश्ता होगा? हाँ जी। अच्छा जी, आइए आइए। अरे तो मैं क्या करूं? मुझे नाश्ता देना यार। क्या खाओगे नाश्ते में? अंडा। नबील, सोने का अंडा बना लिया? महमूद साहब, सोने का अंडा मैं कहाँ से बनाऊं यार? सोने का अंडा देने वाला मुर्गा हनीमून पे चला गया है। महमूद साहब, फिर तो पूरा खा लिया। हाँ यार, यार नबील, तुम्हारा ससुर तो बहुत ही कंजूस आदमी है। हाँ महमूद साहब, कितनी प्यारी और खूबसूरत लड़की से शादी करके हनीमून के लिए ले गया उसे। यहाँ मना लेता हनीमून, हमने कौन सा चुप चुप के देखना था यार। अरे हनीमून पे गैस हो गया, खाने पीने का सारा सामान भी ले गया है जी। हाँ, फ्रिज भी खाली, किचन भी खाली। अब क्या करेंगे महमूद साहब? हाँ महमूद साहब, अब क्या करें? अरे करना क्या है, जाओ बाजार से जाके नाश्ता लेकर आओ। मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भाई, तो अपने ससुर को फोन करके मंगवा लो, उनका मोबाइल बंद है महमूद साहब। यार नबील, वैसे वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे? महमूद साहब, कुछ तो मेरा ख्याल करे। सॉरी बेटा, मुझे सही तरह की आवाज नहीं, क्या कहते आप? महमूद साहब, मैं खूबसूरत से नाश्ते के पैसे लेके आता हूँ। ओए तुम चलो अपने कमरे में। महमूद साहब, खुदा का नाम माना करे, बच्चे का तो ख्याल किया करे, आपकी वजह से आगे 71 पैमरा के नोटिस आए हैं। मामा, आप देख रही है ना पापा कितने गिर गए। आपको तो कभी हनीमून पे नहीं लेके गए, लेकिन उस लड़की को ले गए। जानू, ये तुम किससे बातें कर रही थी? अपनी मामा की तस्वीर से। अच्छा अच्छा अच्छा। जानू, 500 रुपया निकाल। मामा की तस्वीर से बात करने के इतने चार्जेस? नहीं नहीं जानू, 500 रुपया तो मैं नाश्ते के लिए मांग रहा हूँ। मेरा बाप हनीमून पे गया हुआ है नबील, और तुम्हें नाश्ते की पड़ी हुई है। यार वो हनीमून पे गए हैं, मरे तो नहीं है ना? मरने पर भी लोग खाना खिलाते हैं। तुम एक काम करो, तुम मौत का नाश्ता समझ के करा दो यार। नबील, ओ यार खुदा का वास्ता खूबसूरत, लोग तो पड़ोसियों की शादी पर नाचने चले जाते हैं यार, और तुम अपने बाप की शादी पर अफसोस मना रही हो। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि तुम मेरी बीवी हो। शट अप नबील। ओके जानू, नाश्ते के पैसे जानू। ये लो। थैंक यू जानू, मैं 500 वापस कर दूंगा तुम्हें इसमें से। मेरे लिए चीज केक भी लेके आना है। जानू, फिर 500 में से कुछ वापस नहीं आना। मोमो, तुम क्या कर रही हो?
मुझे वो करना है राशिद। महमूद। महमूद नहीं करना, वो करना है। अरे तो कर लो। हाँ तो आएगा तो करूँगी ना। अरे आ जाएगा भाई, आबो हवा तब्दील हुई है इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। कब आएगा? आ जाएगा मोमो, सबर करो। आपने उसको बहुत दूर तो नहीं भेज दिया भाई? किसे? मेरे पुत्र शकील को। अरे भाई मैंने तो उसे नाश्ता लेने के लिए भेजा है। हाँ तो मुझे भी तो नाश्ता ही करना है ना मकसूद। तुम इतनी देर से नाश्ते के आने का इंतजार कर रही थी? हाँ तो क्या, इंतजार कर रही थी। लगता है नबील नाश्ता लेकर आ गया। तो कौन है आप? बहन को बाहर निकालते रहे, लेकिन मेरी बहन तो गांव में है। तेरी नहीं मेरी बहन, वो अंदर है। अरे लेकिन मेरे पास तो जमानत के पैसे भी नहीं है भाई। साले झुकते मार रहा है, मेरी बहन तेरे घर में। मेरे घर में? हाँ तुम्हारी कहना इस घर का। नहीं भाईजान, मैं तो माली हूँ इस घर का, पौधों को पानी देने के लिए आया था, कहीं तो आप पे भी तिरंका लगा दूं। मालिक तो नाश्ता लेने के लिए बाहर गए हुए हैं। हाँ आप आइए ना, वहाँ बैठ कर बात करें। आइए चलो। साथ ही चल रहा हूँ आपके पीछे। आ जा। आप यहाँ बैठिए ना, तशरीफ रखिए। अब बस मालिक आते ही होंगे। अरे महमूद साहब नाश्ता आ गया। माली। अच्छा तो ये माली आया है नया। सुन बे माली, सारी घास मुझे साफ चाहिए, घास में कोई कचरा नजर ना आए मुझे, बिल्कुल साफ। घास की बारी तो बाद में आएगी, पहले मैं तेरी तबीयत साफ करूंगा। महमूद साहब ये कौन है? पता नहीं नबील, अपनी बहन को लेने आया है। कौन सी बहन यार? अबे मेरी बहन, और कौन सी बहन, मेरी बहन इस घर में है। नबील मुझे लगता है ये खूबसूरत का भाई है। अरे आपको खूबसूरत का भाई कहाँ से लग रहा है? अरे लगते तो तुम भी उसके शौहर नहीं हो। महमूद साहब हो सकता है तुम्हारे सुसर ने इसे जायदाद से आग कर दिया हो। यार महमूद साहब खूबसूरत का कोई भाई नहीं था। अरे थी तो उसकी माँ भी नहीं, अब आ गई ना। हाँ ये तो है महमूद साहब। और चुप करो तुम दोनों, मुझे मेरी बहन चाहिए। अच्छा मालिक मैं अब चलता हूँ, कल दोपहर में आके ना बाकी की घास काट दूंगा। बदमाश भाई, इस आदमी को रोके। इस माली को? ये आदमी माली नहीं है, ये मेरी माँ का शौहर है। क्या? हाँ ये आदमी भागना नहीं चाहिए बदमाश भाई, अगर ये भागा ना तो फिर मैं भी भाग जाऊंगा। डर रखे इसके सर पे। शाबाश, ये ना गन से बहुत डरते हैं। नबी महमूद साहब चले अंदर चलते हैं। हाँ चलो अंदर चलो, तुम दोनों का फैसला अंदर होगा, चलो लग। मैं ये किचन में रख दूँ? से बैठ, ये रख। भैया। मोमो ये तुम्हारा भाई है? नहीं मैं तो पूछने आई थी कि भैया तू कौन है, किससे मिलने आया है? मुझे अपनी बहन से मिलना है, उसे लेने आया हूँ मैं। तुम्हारी बहन खूबसूरत है क्या? हाँ हाँ देखा नबील, मैंने तुमसे कहा था ना। खूबसूरत तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आया है, खूबसूरत सामान पैक करो। मेरा भाई? हाँ ये देखो। ये कौन है? तुम्हारा भाई है जानू। इसका नाम जानू है? ओहो नबील मेरा कोई भाई नहीं है। तुम्हें पूरा यकीन है खूबसूरत? हाँ महमूद साहब। पक्की बात है? हाँ नबील। वो तू है कौन? चल निकल यहाँ से, उस वक्त से मैं पिस्तौल दिखा के डरा रहा है। चुप कर, मेरी बहन का नाम बेताब है जिसे जबरदस्ती शादी की तूने भगा के। मैंने? और क्या मैंने? हाँ तूने, तेरे ही नाम से दिखी है ना। क्या खूबसूरत, तुम्हारे पापा ने उस बेचारी लड़की को भगा कर शादी की है। मामा मुझे हर कीमत पर अपनी बहन चाहिए। मैं अपनी रोती हुई माँ से वादा करके आया हूँ कि किसी भी तरह बहन को लेकर आऊंगा, मुझे बहन चाहिए। हाँ तो तू ये अपने अब्बे से कह, हमसे क्यों बोल रहे हैं भाई? मुझे वो बंदा दिखाओ जिसने मेरी मासूम बहन को वरगला के उसे शादी की है। आप उस बंदे के साथ क्या करेंगे? मैं उसे जान से मार दूंगा। एक मिनट नबील उधर टॉयलेट भी आएंगे, लैट्रिन। ये ले भजन, ये है वो बंदा जिसके बेटे ने मेरी बहन से शादी की है। नहीं जी, इन्होंने आपकी बहन से शादी की है। क्या? हाँ। अरे क्या हो गया मेरी बहन के दिमाग को, ये तो मेरे बाप से भी बड़ा आदमी है। तुम्हारा बाप इससे भी छोटा आदमी है, हद हो गई भाई। चुप कर, मुझे ये बंदा चाहिए, कहाँ है ये? ओ पहले बहन मांग रहा था, बंदा मांग रहा है, भाई तेरा मसला क्या है? ये आदमी कहाँ है? ये आदमी आपकी बहन के साथ हनीमून पर चला गया है। क्या
मैं इस घटिया आदमी को अपनी बहन के साथ हनीमून मनाने नहीं दूंगा। इसे फौरन फोन करो। आपकी बहन का फोन नंबर क्या है? अबे सिद्दीकी को फोन कर। पापा का फोन तो बंद है। और ये मेरा मसला नहीं है, मुझे रात होने से पहले पहले अपनी बहन वापस चाहिए, वरना तुम सबको गोली मार दूंगा। चुप है, बेहया, बेगरत, बेशरम। ओ बहन तेरी भागी है बंदूक के, हमें दिखा रहे तू, नीचे कर बंदूक। वाह माँ जी वाह। हाय मैंने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा ना पुत्र। चुप कर बुढ़िया, वरना। ओए बुढ़िया किसको कहा है तूने? तूने एक गोली से दो शिकार किए हैं जालिम। लेकिन गोली तो दीवार की तरफ गई थी भाई। हो सकता है दीवार से टकरा कर माँ जी को लग गई हो। हाँ, और माँ जी से टकरा के महमूद साहब को लग गई हो। मेरी पिस्तौल में गोली थी या कंचा? खबरदार जो मेरी बीवी को छेड़ने की कोशिश की। शरफ नबील, माँ जी को उठाओ, गोली महमूद साहब को लगी है। माँ जी उठे ना पुत्र, इनको उठा, मैं ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ। माँ जी लोग आपकी एक्टिंग देखना चाहते है, इसलिए तो कह रहा हूँ उठे। मेरा ख्याल है गोली मुझे नहीं लगी है, गोली इन्हीं को लगी है। अबे अगर इसको गोली लगी होती तो ऐसे ना पड़ा होता, ये तड़प रहा होता। मैं गुस्सा, तड़पे ना यार। करने नहीं दूंगी मैं, इधर खुदकशी करने नहीं आई हूँ, मैं इधर वो लेने आई हूँ। वो क्या? वो जो मियाँ के मरने के बाद दीवार पर मार के तोड़ते हैं। बर्तन? बर्तन नहीं, वो जो हाथ में पहनते हैं ना। घड़ी? घड़ी नहीं, वो जो घड़ी के ऊपर पहनते हैं वो। माँ जी घड़ी के ऊपर कुछ नहीं पहनते। और वो जो नीली नीली पीली पीली होती है वो। चूड़ियाँ? हाँ चूड़ियाँ, मैं चूड़ियाँ लेने आई हूँ। आप महमूद साहब को मरने के बाद चूड़ियाँ पहनाएंगी? नहीं, मैं उनके मरने के बाद चूड़ियाँ तोड़ूंगी। हैं? हाँ। अभी तो बाल लगवाए थे महमूद साहब, परी जवानी में चले गए है? आपके खेलने कूदने के दिन थे। माँ जी चूड़ी थोड़े, चूड़ी थोड़े यार। अल्लाह जी, परी जवानी में झुपड़ के चले गए। माँ जी हथौला रखे ज्यादा हो गई। ओ पुत्र तूने ही तो शुरू की थी। ओ यार भाई रो मत यार। घटिया आदमी, तुमने मेरे बाप की बीवी के दूसरे शौहर को मार डाला। और कहता हूँ चुप करो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ओ यार ये ना कर खुदा के वास्ते, मैं तो अपनी बहन को यहाँ लेने आया था, मुझे क्या पता था ये केस मेरे ऊपर पड़ जाएगा इस तरह से। यार देखो ना मर के कितने को क्यूट लग रहे। माँ जी ना करे ना बोले झूठ, अब तो ये मर गए ना, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। माँ जी को हौसला करे, उसको समझाए खुदा के वास्ते। इंसाफ होगा और जरूर होगा, खून के बदले खून देना पड़ेगा। नहीं तो खून बहा देना पड़ेगा। ये ठीक है, मैं खून बहा देता हूँ, किसका बहा दे? अरे खून बहा का मतलब है कि मरने वाले के लवाहिकीन को पैसे दो, कैश कैश। यार मैं घर से पैसे देकर थोड़ी निकला था। अबे तेरी बहन मिल जाती तो तू क्या उसे पैदल लेके जाता? नहीं मेरा मतलब है मेरे पास जेब में बस 10-12 हजार रुपए ही होंगे ना। चल यही निकाल दे। हाँ इस बंदे की जान की कीमत ना इससे ज्यादा थी भी नहीं। आ पैसे निकाल, पैसे निकाल। इतना कम कीमत बंदा कहाँ मिलेगा? ये अब देख रहा ना मेरी माँ की हालत, बड़ी जवानी में बेवा कर दिया तूने साले। 12.5 हजार हो गए पूरे। चल भी चल, चल उठ, उठ भाई, मैं तुझे दरवाजे तक छोड़ गया हूँ। चल चल उठा अपनी पिस्तौल, उठा पिस्तौल, उठा, चल चल निकल जा। ये मेरे पैसे हैं, मेरी मेहनत की कमाई है। और खबरदार किसी बेवा की कमाई छीनने की कोशिश की होगी तो। हाँ?
और यार ये क्या बदतमीजी है, क्यों लड़ रहे हो आप लोग यार? यार नबील तुमने इतना कम खून बहा क्यों मांगा? महमूद साहब जो मिल गया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और क्या, इससे ज्यादा आपके मिलने भी नहीं थे। आप कौन सा को अमरीका को मतलूब थे? वैसे 10-12 हजार में 6-7 दिन तो गुजर ही जाएंगे नबील। ये चीज़ यार बाहर जाके मुझे ख्याल आया कि वो बंदा कैसे मरा? तेरे पिस्तौल से और कैसे? लेकिन पिस्तौल तो नकली थी। हैं? अरे पिस्तौल नकली थी तो क्या हुआ, गोली तो असली थी ना। मैंने सोचा ही नहीं। ओ तू तो जिंदा है। ओ यार महमूद साहब आपको क्या जरूरत थी बोलने की? यार मेरी लाइन लिखी थी तो मैं क्या करता? देखो भाई, हम खून बहा लेने के बाद वापस नहीं करते। मुझे खून बहा वापस चाहिए भी नहीं। अरे वाह, मैंने खून बहा के बदले खून बहा दिया था, अब तुम लोग मुझे मेरी बहन के बदले अपनी बहन दोगे। शुक्र है महमूद साहब, मेरी कोई बहन नहीं है। अबे बहन नहीं है तो क्या हुआ, ये तो है ना। लेके जाऊंगा मैं। क्या नबील? चल भाग। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है।